आज जो मैं सब्जी लेके आई हूँ उसका नाम है अरबी। अब इसके फायदे मैं क्या कहूँ आप लोगों को, बहुत सारे फायदे हैं। ये बीपी कंट्रोल में बहुत हेल्प करता है, जो डायबिटीज जिनको है उनमें भी ये बहुत मदद करता है, शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। और बीपी में ये इसीलिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है और ये वेट लॉस में भी बहुत काम करता है। तो ये इस तरीके से अरबी बीपी पेशेंट्स वालों के लिए और डायबिटिक वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको उबाल लेंगे। एक सीटी में अगर ये मुलायम होती है तो एक ही सीटी में ये हो जाता है। और उसके बाद हम इसकी रेसिपी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल करेंगे और इसकी जो ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए ये देखिए, दो हरा मिर्चा, दो प्याज और ये दो टमाटर, एक तरफ हम इसको उबाल लेंगे और एक तरफ हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। तो देखिए ये मैंने अरबी को उबाल लिया है और ऐसे छोटे छोटे गोल गोल पीसेस काट लिए हैं। ये मैंने प्याज टमाटर हरा मिर्चा का पेस्ट बना लिया है। ये सरसों तेल है जिसमें बनेगा, ये दही है, ये लहसुन है 15-20 कली, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। हल्दी, नमक, ये है धनिया पाउडर, ये है मिर्चा और ये है अजवाइन और ये सूखा लाल मिर्चा। अजवाइन इसलिए कि इससे कोई गैस की प्रॉब्लम ना हो, पेट में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए अजवाइन से अरबी का टेस्ट और एनहांस हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा के मैं ये तेल डालूंगी। तो मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है और मैं इसमें ये सरसों तेल डाल दूंगी। अब इसमें मैं ये सूखा लाल मिर्चा, अजवाइन और जो ये मैंने लहसुन छोटे छोटे काट के रखे थे उसको मैं डाल दूंगी। सब देखिए और इसका लाल होने का मैं वेट करूंगी। बहुत ही लजीज सब्जी ये बन के तैयार होती है। आप लोग प्लीज ट्राई कीजिएगा। बहुत लोग कहते हैं इसमें लसर लसर होता है, पता नहीं कैसा स्वाद होता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होती है। देखिए लहसुन पूरा ये बढ़िया से लाल हो गया है, इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। तो अब हम इस स्टेज पे आँच कम कर देंगे और जो हमने मसाला पीस के रखा था, दो टमाटर, दो प्याज और हरा मिर्चा को, उसको हम धीरे से इसमें डाल। जब तक हमारा वो मसाला पक रहा है तो चलिए हम लोग बना लेते हैं दही में सारे मसालों को मिला के एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने दही डाल दी है, अब मैं इसमें ये गरम मसाला डालूंगी, ये हल्दी, ये है मिर्चा, ये मेरे पास थोड़ा सा ही है तो मैं पूरा ही डाल देती हूँ। उसके बाद ये धनिया घर का पिसा हुआ, बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सभी को हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। जब तक हमारा मसाला भुनेगा तब तक ये दही में पूरा का पूरा ये अपने स्वाद को बढ़िया से छोड़ देगा और ये जो बचा हुआ है इसमें हम पानी डाल के उसमें छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला, ये प्याज टमाटर हरा मिर्चा वाला बढ़िया से भुना गया है और ये तेल भी इसने, ये देखिए तेल भी इसने छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें वो दही वाला जो हमारा पेस्ट है मसालों वाला, अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए
इसको भी हम पानी में डाल के ग्रेवी में कर देंगे। अब इसको थोड़ा तेज़ी से चलाएंगे, तेज आंच करके बढ़िया से, ताकि हमारी दही फट ना जाए बढ़िया से एकदम। बहुत ही मेरी जो किचन है बहुत ज़्यादा महक रही है अजवाइन से, लहसुन से, सूखा लाल मिर्चा से। गजब का एनवायरनमेंट हो गया है मेरे किचन का और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो खुशबू है अजवाइन, लहसुन और सूखा लाल मिर्चा की, लाजवाब। तो ये देखिए बढ़िया से इसको हमने फेंट लिया। अब हम इसको थोड़ी देर बढ़िया से और पकने देंगे। ये देखिए ये देखिए देखिए तेल को अभी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, तो 2-3 मिनट और उसके बाद हम इसमें अरबी डालेंगे। हमने अभी इसमें नमक नहीं डाला है, तो लास्ट में हम इसमें नमक डालेंगे। ये देखिए पूरा तेल निकल के बाहर आ गया है। अब हम इसमें ये जो मैंने कहा था कि जो बचा हुआ दही है और जो मसाला वाला पानी है, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, अरबी को इसमें डाल देंगे। तो देखिए ये मैंने अरबी इसमें बढ़िया से डाल दी। अब हम इस स्टेज पे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें हम नमक मिलाएंगे। और मैं हमेशा से कहती हूँ नमक थोड़ा कम चलेगा, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा कम भी अगर पड़ जाता है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसमें नमक भी मिला दिया, देखिए। अब हम इसको छोड़ देंगे बढ़िया से भूनने के लिए। 5 मिनट हम इसको बढ़िया से ढक के छोड़ देंगे। जब तक ये भुनाता है तब तक मैं गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता बारीक बारीक काट लेती हूँ। तो आँच में अब कम कर देती हूँ और इसको भूनने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए ये मेरी सब्जी अब बन के तैयार है, तो मैं आप इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये मेरी स्वादिष्ट अरबी की सब्जी बन के तैयार है। पसंद आएगा तो ज़रूर से इसको किचन में बनाइए, खिलाइए। और ये मैंने पहले भी कहा कि ये बीपी में बहुत हेल्प करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है, इट्स हेल्दी। तो बनाइए, खाइए, खिलाइए। पसंद आएगा तो ज़रूर से लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।